आ गया मोड़ गुजर भाई की होगी हमारा टाइम। हैट्स ऑफ है, इसके लिए एक जनरेटर है हमारे ग्रुप का। शादी पार्टी के लिए कांटेक्ट करें। इस ग्रुप का लीड गैस होए होए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बड़े हो गए। आपका आज की नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है तनकपुर से पिथौरागढ़ की। भाई ये देखो पूरा ड्रेस अप हो रहा है, इसको भी राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट स्पॉन्सर हुआ है। बाकी मस्त लग रहा है ये भी। कुछ भी क्या भाई, राइडिंग जैकेट और पैंट पहनने वाला ना लुक आ जाता है ना। और ये देखो, ये हमारा रूम पूरा बिखेर दिया है, पूरा खतरनाक तरीके से हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कबर्ड हो, कुछ भी हो, जहाँ सामान आया सब पूरा हमने फैला दिया है। बाकी सीन एकदम सेट है। अभी हम जा रहे हैं, नहा धो लिया अपने और बैग बांधते हैं बाइक पे और फिर निकलते हैं आगे। तो भाई चलो करते हैं बाइक का कोल्ड स्टार्ट। सेल्फ लिया भाई, जैसे ही कोल्ड स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करो ना तो सीधे 2000 RPM पे स्टार्ट होती है। और बाइक थोड़ी सी गंदी हो रखी है और ये रही अपनी पांचों बाइक है। और बट कोई नहीं, ट्रिप पे निकले हैं तो भाई गंदी तो होगी। और वो देखो, वो हमारा जादू चार्ज होने गया है। बाइक में ल्यूब करने जा रहे हैं क्योंकि क्लीनर तो है नहीं, तो ल्यूब कर देते हैं। जो भी थोड़ा गंदा हुआ होगा तो साफ़ हो जाए, क्योंकि चेन ड्राई होगी मेरे हिसाब से, कंफर्म है। तो भाई अपनी बाइक में हो चुका है ल्यूब, क्लीन अभी नहीं किया क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि हम हाईवे पे ही चले हैं और ऐसी कहीं ऑफ रोडिंग या धूल मिट्टी नहीं थी। बट मेरे को अपनी बाइक में ल्यूब करना था, इसलिए मैंने ल्यूब कर दिया। और अब यहाँ से हम करते हैं अपनी बाइक को ऑफ, चलते हैं, सामान लेके आते हैं अपना। सबका बैग हो चुका है पैक, वो देखो, और वो ये भी इधर भी पैक हो चुका है। बस मैं अपना एक बार गोप्रो लगा लूँ हेलमेट पे, देन निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आज का सफ़र करते हैं हम स्टार्ट। और ये देख रहे हो, मस्त साफ़ सफाई कर दी है बाइक की, चेन ल्यूब भी कर दिया, चमकने लग गई अपनी चेन, क्लीन नहीं किया है बट ठीक है। और ये मेरे हाथ में देख रहे हो आप लोन रेंजर के ग्लव्स, बहुत ही अच्छे हैं भाई, ठंड बिल्कुल नहीं लगती। और इसमें वाइज़र साफ़ करने के लिए भी है। हमने मैप वगैरह सब सेट कर दिया है, चलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई सारे आ चुके हैं ऑन रोड, निकल रहे हैं हम आगे के लिए। एक नंबर सीन हो रखा है। और सामने पहाड़ देख के ही मुझे हो रही है थोड़ी थोड़ी सी खुशी, क्योंकि पहाड़ में देखना है मुझे हाउ द जोश और हमारी बाइक कैसा परफॉर्म करेगी। अभी हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कराया, क्यों, उसका एक रीज़न है। हम सोच रहे हैं थोड़ा 50-60 किलोमीटर तक चला ली जाए अपनी बाइकें, फिर रुकते हैं। अभी से रुक के कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसीलिए आराम से रुकेंगे 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद। बाकी ये इंस्टा माउंट अच्छा लगता है यहाँ पे लगा हुआ, है ना, थोड़ा वाइब आती है यार कि हमने इंस्टा लगा रखा है। बाकी तनकपुर के चौक पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट टुवर्ड्स पिथौरागढ़। भाई चार्ज हो गया फुल, चार्ज हो गया भाई, चार्ज हो गया। फुल चार्ज हो गया भाई बुलेट वाला तो। पिथौरागढ़ रहता है यहाँ से 147 और इसमें क्या दिखा रहा है, ये क्या हुआ, हाँ।
और ये पूरा वन एरिया, यहाँ से हमें रात को आगे नहीं जाने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा फॉरेस्ट एरिया पूरा, तो कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। और अब रोड होने वाली है भाई बिल्कुल तगड़ी, और व्यू तो देख ही रहे हो आप, एक नंबर व्यू भाई, खतरनाक। चारों तरफ भाई ग्रीनरी ग्रीनरी, और मैं अपने पिलियन के साथ फुल ऑन मजे करते हुए। भाई मेरे को सही में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब पिलियन के साथ अपना फर्स्ट राइड हो रही है BMW पे, और उसको मतलब बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होती होगी यार, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं होती, बट मैं समझ सकता हूँ। वो जो सीट है ना, सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है हमारी, नेक्स्ट टाइम से उसका भी जुगाड़ कर लिया जाएगा। और ये रोड भाई बिल्कुल सीधी है थोड़ी दूर तक। भूषण भाई तो भाई फुल ऑन, तो भाई मोड ऑन है चुके हैं भाई साहब, लीन मोड फुल ऑन। थोड़ा हवाबाजी से कम रखेंगे अपने आप को, हो जाता है। मतलब भूषण भाई हमसे आगे निकल के गए ओवरटेक करके, फुल फ्लाई बाय देते हुए आगे आ गया मोड। भूषण भाई की होगी हवा टाइट। अब उनको कौन बताए यार, इसीलिए तो स्पोर्ट्स बाइक होती है ब्रो, क्रूजिंग बाइक क्रूजिंग होती है। खतरनाक भाई। अब हमारी जो आज की, मतलब हमारा आज का जो ब्रेकफास्ट होने वाला है, वो होने वाला है भाई पहाड़ों के बीचों बीच में। चंपावत 68 किलोमीटर है भाई, मैं सोच रहा हूँ चंपावत ही रुकते हैं पहले, है ना, वहीं पे अपने कुछ खाएंगे पियेंगे फिर आगे निकलते हैं। और आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि भाई पिथौरागढ़ ही स्टे करते हैं, और वहाँ जो लोकल एक्सप्लोर करने की जगह है वो एक्सप्लोर करते हैं, आपको लोकल मार्केट्स वगैरह दिखाएंगे। लगभग 40 किलोमीटर तक अपनी बाइक चलाई है, और चलाने के बाद हम रुक गए हैं क्योंकि यार अब रहा नहीं जाता, भूख लग रही है काफ़ी देर से। और ये है कोई एक मिडवे रेस्टोरेंट, तो खाते हैं और निकलते हैं आगे। तो भाई अपना खाना आ चुका है, खाते हैं। तो खाना हो चुका है अपना डन, निकलते हैं, हेलमेट वगैरह पहनते हैं। और पिथौरागढ़ रहता है 104, चंपावत 31। मैंने बोला था चंपावत रुकेंगे, बट उससे पहले हमें भूख लग गई तो हम वहीं रुके थे, बट कोई नहीं अब पिथौरागढ़ ही रुकेंगे। 104 किलोमीटर है और अप्रॉक्स 3 घंटे लगेंगे भाई, यहाँ 3 घंटे दिखा रहा है। कोई नहीं, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, फुल लीन मोड ऑन है। कहीं कहीं सी दिक्कत हो जाती है, मतलब बाइक डिसबैलेंस हो जाती है ना, तो वो तो होता ही रहता, कोई नहीं हम मैनेज करके चल रहे हैं बढ़िया तरीके से। अभी मैंने वो चलाई यार, भाई हैट्स ऑफ है इसके लिए, कैसे चला रहा है यार ये। एक तो मैंने मुश्किल से 4-5 किलोमीटर चलाई होगी, और पूरा भाई कंधे मेरे पंप हो गए थे, मैंने कहा अब नहीं भाई, अब नहीं हो रहा, अब नहीं चला रहा मैं इसे। भाई साहब अब तो चढ़ाई बिल्कुल ही ज़्यादा स्टीफ हो चुकी है, पूरा ऐसे गोप्रो में पता नहीं चला होगा, ये देखो ये पूरी रोड ऐसे जा रही है भाई, और ख़तरनाक तरीके से चढ़ाई है ये, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। कंधे बंदे तो ओके हैं क्योंकि R15 पे तो भाई उसका पोस्चर ही इतना एग्रेसिव है, मेरे कंधे ही पूरे दर्द होने लग गए थे, बट अभी तो फ़िलहाल ओके है क्योंकि
अपनी बीमर तो है ही बढ़िया, क्योंकि भाई मैं पूरा लद्दाख चला के आया, पूरा सचपास चला के आया, कहीं दर्द नहीं हुआ इस पर। और अभी मैंने R15 चला दी, मेरे दर्द होने लग गया कंधों में। ये देखो ओवरटेक करने वाली पब्लिक, उत्तराखंड के लोग बिना देखे कैसे ओवरटेक कर सकता है कोई। इतना आवाज नहीं सुनाई देती उसकी दूर से, क्योंकि वो तो ना बिल्कुल लाउड वाला, उसकी एक बात ही अलग है। ये जनरेटर है हमारे ग्रुप का, शादी पार्टी के लिए कांटेक्ट करें हमारे जनरेटर से। बाकी तो खतरनाक सीन हो रखा है, स्पीड लिमिट 25 की, हम तो डबल चल रहे हैं भाई। ये देख रहे हो 25 की स्पीड लिमिट है, हम तो भाई खतरनाक हैं। थोड़ा थोड़ा पैरों पे लोड आ रहा है, क्योंकि लेयरिंग कर रखी है ना, तो पैर से ऐसे मुड़ नहीं रहे तो मज़ा आ नहीं रहा है ना। और ये देखो भाई, चारों तरफ दोबारा से ग्रीनरी आ गई है, और क्या मस्त यहाँ पे थोड़ा सा सुनसान वाला सीन हो गया ना, कहता ना बिल्कुल सन्नाटा वाला सीन था। इसीलिए मेरे को लग रहा है कि रात को ना निकलने नहीं देते, यही एक रीज़न है। बाकी तो मस्त चल रहा है मामला, खेसते हुए चल रहे हैं अभी। इसने गाने वाने लगा रखे हैं, मेरे को तो यार मैं नहीं लगा के चलता गाने गुने, मुझे मज़ा ही नहीं आता गाने सुनने में। मैं तो अपना मस्त किसी को फ़ोन मिला लिया तो वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। गाने वाने कौन सुनेगा यार, पत्थर उड़ा रहा है भाई, ये छोटे छोटे गिट्टियाँ उड़ा रहा है। और हमने बहुत ज़्यादा बर्न आउट मार दिया, और उसकी वजह से हुआ क्या है कि टायर घिस चुका है, तो मतलब जो ग्रिप होनी चाहिए वो वाली ग्रिप रह नहीं गई है। ये देख रहे हो क्या लीन क्या इसने, ओए होए खतरनाक भाई। ये इस बार मेरे ना फुटपैक्स टच नहीं हुए, हर बार हो जाते हैं, इस बार मैं प्लेन की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हो ही जाता है सीन, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपको पता है वो आप ही कर सकते हो कि हाँ कहाँ पे कितना लीन करना है। बट आपका पिलियन अगर गलत एक कदम गलत लेगा, पप्पू तो गए हो वाला सीन हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सट्रीम कर नहीं रहा सीन है ना, आराम से चल लिया बाइक चला तो बिना किसी दिक्कत के। तो भाई अभी हम थोड़ी देर रुके थे पैर वगैरह सीधे करने के लिए, काफ़ी देर से बाइक चला चला के पैर, मेरा पैर दर्द करने लग गया था, क्यों फोल्ड है और लेयरिंग ज़्यादा हो रखी है ना पैरों में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए रुके हम। हमने अपनी टांगे सीधी करी, अब चल रहे हैं आगे। एक आध फोटोज़ वगैरह भी खिंचवाई हैं, आप भी अगर देखना चाहते हो तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं उस पर। और यहाँ से पिथौरागढ़ रहता है 35 किलोमीटर, एक घंटा भी बता रहा भाई, आज का भी दिन ख़राब हो रहा है क्या। कोई नहीं, नैनीताल ऋषिकेश अल्मोड़ा, हम यहाँ से नैनीताल भी जा सकते हैं। तो भाई पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, मतलब गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं। जहां हमें पहुंचना है वो 1 से 3 किलोमीटर के अंदर ही अंदर है, सब बोलते हैं ना 1 से 2 किलोमीटर, मेरा अलग ही चल रहा है भाई, दिन दुनिया सब अलग चल रही है।
103 किलोमीटर, वाह, 2-3 नहीं 103, सही है। ऐसे होता है जब ना कुछ हो ना रहा हो और दिमाग फट चुका हो पूरा, तो यही सब होता है भाई, हैंगओवर। ओ यार मजेदार है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, अब देखना ये है कि अपनी पब्लिक जो है वो रुकी कहाँ है। Where is the public? तो गाइज हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ और अब हम जा रहे हैं रूम में, मतलब हमने होटल देख लिया है, काफ़ी मशक्कत किए हैं भाई, काफ़ी देर से घूम रहे थे, अब जाके मिला एक बढ़िया सा स्टे, बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया, खतरनाक वाला। तो जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो भाई ये है हमारा आज का रूम, हम हैं फिलहाल पिथौरागढ़ में और काफ़ी अच्छा रूम है, और ये वाला रूम है एक, ये पूरा डोर मैट्री है। हम यहाँ पे क्यों रुके हैं पता है आपको, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो आए हिडन जैम ऑफ पिथौरागढ़, क्या खतरनाक सीन है यहाँ पे। इधर है जिम, ये रहा टेबल टेनिस, और इसके ऊपर जाएंगे तो वो भी दिखाता हूँ मैं एक बार। ओए होए फैबुलस भाई साहब, पूरा खतरनाक सीन है, अभी महफिल बनाई जाएगी यहाँ पे। तो भाई खाना आ चुका है और प्लेटों में सज गया है, खाना स्टार्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको भी क्या खाया जा रहा है। राइस चाप और पनीर बटर मसाला भी, लच्छा पराठा हम लोग। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, डू वन कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको ऐसी बढ़िया सी किसी दूसरी वीडियो में।